नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांगी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल माय इजी रेसिपी पर। तो आज है ब्लॉग नंबर 13 और आज के ब्लॉग में हम बनाएंगे चने दाल के फरे। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। तो ये रहे इंग्रेडिएंट लिस्ट और इसे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर लेट्स कुक टुगेदर। सबसे पहले हम लोग चने की दाल ले लेंगे और मैंने यहाँ पर 1 किलो चना का दाल लिया है, ठीक है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे भिगो कर रख देंगे। आधे घंटे तक हम इसे भिगो कर रखेंगे, तब तक हमारा ये चना का दाल फूल जाएगा और कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम इसे एक बास्केट में छान लेंगे। देख सकते हैं कि हमारे चने की दाल कितनी खिली खिली लग रही है, अच्छे से ये भींग चुकी थी। तो चलिए अब हम इसे एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद इसका पेस्ट कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हम एक कटोरे में सारे पेस्ट को इकट्ठा कर लेंगे। तो चलो भैया, हमारे चने का दाल तो पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसमें जो जो ऐड करना है वो डालते हैं, ठीक है। तो ये रही लहसुन और हरी मिर्च। तो फटाफट हम इसे एक मिक्सर जार में इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इसका पेस्ट कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलो अब अपने चने दाल के पेस्ट को लाते हैं। उसमें हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, धनिया की पत्तियाँ कटे हुए, और ये रही हमारी हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स वेल कर लेंगे। तो हमारा चना दाल का पेस्ट एकदम परफेक्टली रेडी है स्टफिंग के लिए। लेकिन इससे पहले हमें आटा गूंदना होगा, तभी तो स्टफिंग हो पाएगी। तो चलिए फिर आटे गूंदने की तैयारी करते हैं। तो एक कटोरे में मैंने 2 गिलास चावल ले लिया था और इसे भिगो के रख दिया था। 10 मिनट के लिए भिगोया था, फिर चावल को मिक्सर जार में रख के उसे ग्राइंड कर लिया था और इसका एक पतला सा बैटर बनाया था। इस बैटर को मैंने एक परात में ले लिया था और उसमें आटा ले लिया था, और इन दोनों को मिक्स वेल कर लेंगे और हल्का हल्का पानी लेके हम इसे गूंदेंगे। और इसे अच्छे से गूंदना है और इसे ज़्यादा कड़ा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डो रेडी है। तो चलिए भाई, हमारा ये आटा भी रेडी हो चुका है। अब हम एक पतीला लेंगे और उसमें तेल लगा लेंगे हर तरफ से, ठीक है, ताकि जब भी हम इसमें पकाएं तो इसमें ये लगे ना परे, ठीक है। तो चलिए, हमारा तेल तो लग चुका है। अब हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे और इसमें पानी डाल लेंगे। पानी के साथ साथ हम इसमें नमक ऐड करेंगे और फिर हम इसे खोलने के लिए रख देंगे। तो जब तक उसमें उबाल आता है, तब तक हम फरे की स्टफिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आटा का लोई बनाया और फिर इसे पूड़ी की शेप में बेलेंगे और फिर इसमें हम अपनी चने की दाल को स्टफ कर लेंगे। तो अब ध्यान से देखना कैसे ये स्टफ हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एक पूड़िया ली और इसमें चने की दाल भर दी है और इसे अच्छे तरीके से पैक कर लिया था। और याद रहे, इसे हल्के हाथों से पैक करना है, कहीं से ये कट पिट ना जाए। और इसे गुजिया का शेप दे देंगे। आपको जैसे डिज़ाइन पसंद हो आप वैसा शेप दें। हमें ये अच्छी लगी थी तो हम ये वाला शेप दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इतने सारे फरे रेडी हो गए हैं पकाने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा पानी में उबाल आया है कि नहीं। तो चलो फिर, ये देखो हमारे पानी में उबाल आ गया है। तो एक एक करके हम सारे फरे को इसमें डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से चला लेंगे ताकि ये नीचे लगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर सारे फरे डल चुके हैं। अब हम इसे ढक के रख देंगे और 10 मिनट के बाद हम आएंगे इसे देखने। तो हमारा परा पक चुका होगा, मतलब ये रेडी हो चुका होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फरे में एकदम अच्छी सी उबाल आ चुकी है, मतलब कि हमारे फरे एकदम परफेक्टली रेडी है। तो हम इसे अच्छे से चला लेंगे और फिर एक एक करके हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये फरे को निकाल लिया था और ये कुछ ऐसा दिख रहा था। और ये टेस्ट में बहुत ही टेस्टी होता है यार, और ये मेरी फेवरेट है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये मोमो से तो काफ़ी बेहतर है और काफ़ी हेल्दी है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप मोमो की जगह यही खाएं, टेस्टी भी रहेगी और हेल्दी भी। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
तो ये रही हमारे फरे के प्लेटिंग, जिसके साथ मैंने लिया था टमाटर की चटनी, और इसकी रेसिपी मैंने अपने एक शॉर्ट में अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और फरे को हम तल कर और भून कर भी खा सकते हैं। तो ये रही हमारे तले हुए फरे और भुने हुए फरे, और इसे आप लोग चाय के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है एज अ स्नैक, ठीक है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं तक, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में, धन्यवाद।